हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए, क्रोशे से मुझे जैकेट बनाएंगे। जैकेट का वूल देखिए 420 ग्राम लगी है, 420 ग्राम। लेकिन जब भी आप वूल लेकर आए तो वूल थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर आए, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है। ये देखिए, जैकेट में मैंने स्लीव्स भी बनाई हैं साथ में। देखिए, प्रॉपर मैंने स्लीव्स को शेप दी है, कटाई बनाई है हमने स्लीव्स की। और यहाँ पर इसकी नेक की फिनिशिंग देखिए, यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलता हमने कहाँ पर स्टिच डिक्रीज किए हैं। और इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है, साथ में मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। आप इस जैकेट को स्लीव्स के साथ भी बना सकते हैं, या फिर आप इतनी बनाकर हाफ जैकेट भी बना सकते हैं, यहाँ पर किनारी कर लें। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट तैयार किया है, इसके लास्ट पार्ट में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपने बाकी चेस्ट साइज के लिए बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो जैकेट में यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। और एक बात मैंने पहले भी आपको कई जैकेट की वीडियोस में बताई है, जो भी मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं। यहाँ पर जब भी आप अपने लिए मेज़र चूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने 20 चेस्ट साइज के लिए बनाना है, ये जैसे देखिए यहाँ पर 17 इंच है, 17 इंच है। लेकिन अगर आपने 20 चेस्ट साइज की बनानी है, 40 चेस्ट साइज की बनानी है, तो ये यहाँ पर आपका 20 होना चाहिए, या फिर ये 19 होना चाहिए। 19 अगर आप टाइट पसंद करते हैं, फिटिंग में पसंद करते हैं, तो ये 19 होना चाहिए, पहनने पर खुलेगी तो ये 20 हो जाएगा, 20। लेकिन अगर आप लूज़ पसंद करते हैं तो ये यहाँ पर 20 होना चाहिए। लेकिन जब आप इतने से जैकेट बनाते हैं, उसे आप मेज़र करते हैं, मेज़र करने पर वो 17 आए तो या 18 आए, तो इसका मतलब वो आपके लिए मेज़र छोटा है। तो फिर आप यहाँ से देखकर नेक्स्ट मेज़र चूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फुल जैकेट बना लो और बाद में आपको लगे कि वो आपको आई नहीं। तो इसलिए जब भी आप जैकेट बनाएं, थोड़ा सा उसे बनाने के बाद चेक जरूर करें चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो इस जैकेट में आज हम इस फर्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, सेकंड पार्ट में हम नेक की कटाई बनाएंगे, थर्ड पार्ट में हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जैकेट की फुल लेंथ भी मेज़र करके दिखा देती हूँ, जितनी रो मैंने बनाई है उतनी रो बनाने से इसकी लेंथ कितनी तैयार हुई है, 25 इंच, 25 इंच। तो यहाँ पर देखिए, 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। चेन बनाएंगे, ये एक चेन आई हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम चेन बनाएंगे, 178 चेन बनाएंगे, 178। तो यहाँ पर देखिए, 178 चेन बनाई मैंने, 168 हमने पैटर्न के लिए ली हैं और 10 हमने बटन पट्टी के लिए ली है। टोटल मैंने 178 बनाई है। अब हमने साथ में 3 चेन और लेनी है, तो ये देखिए यहाँ पर थंब रखेंगे, 1, 2, 3। नई रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन मैंने और ली है, यही वाली 3 स्किप करेंगे, 4th चेन में पहला डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट में देखिए इस तरह से 178 हमारे पास चेन थी, तो 178 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे उससे। और एक ये देखिए, यहाँ पर 3 की जो हमने चेन ली है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास 179 हो जाएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमारे पास जो चेन है, वहाँ पर हमने देखिए लास्ट वाली चेन में भी बनाया मैंने, तो अब ये मेरे पास जो शुरू में हमने 3 की चेन ली थी, इसे मिलाकर 179 है, 1, 2 और 3, 3 चेन लिए। ये पहली जो चेन है, इसमें हमारी 3 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में
तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई, दो हमारी डबल क्रोशे की रो बन गई हैं। लास्ट जो तीन की चेन है वहाँ पर हमने लास्ट स्टिच बनाना है। तो अब ये हमारी कंप्लीट हुई, एक दो तीन, तीन चेन लिए हमने। जब भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ये पहली जो चेन होती है इसमें हमारी ये तीन की चेन आ जाती है। तो यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना। हर बार हमने इसी तरह से स्टार्ट करना है। हर बार यहाँ पर स्टार्ट जब करेंगे तो चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चार हमने डबल क्रोशिया किए और एक हमारी तीन की चेन, तो ये पांच जो स्टिच हैं ये हमारी बटन पट्टी के रहेंगे। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है, एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हम आठ, सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर सात बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, उसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, इसी तरह से सात बनाएंगे। तो सात हम देखें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक हम चेन स्किप करते हैं, तो टोटल आठ हमारी चेन होती हैं एक पैटर्न के लिए यूज़ कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, सात सात मैंने डबल क्रोशिया बनाए और एक हमने चेन स्किप की है। और जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया है पांच डबल क्रोशिए के बाद हमारे पास ये होल है, इसी तरह से एंड होगा। देखिए ये सात है, उसके बाद होल है, उसके बाद पांच डबल क्रोशिए आएंगे बटन पट्टी के। तो ये मैंने एक दो तीन चार बना लिए, यहाँ तक बनाया। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे और बटन पट्टी के पांच बनाएंगे, दो तीन चार, और ये हमारे पास थर्ड चेन है जो यहाँ पर मैंने लास्ट डबल क्रोशिया किया इस तरह से, वर्क को टर्न किया, तीन चेन लिए, पांच बटन पट्टी के बना लेंगे। तो ये पांच बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन ली मैंने, एक चेन लेकर ये धागा लेकर ये होल में हमने पहला डबल क्रोशिया किया। देखिए इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ पर देखिए सात है हमारे पास, इस साइड वाला एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, इस साइड वाला भी स्किप करेंगे, सेंटर वाली जो पांच चेन है उनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन ली, इसे स्किप करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, ये होल है, होल में एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर इसे फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में हमने बनाया एक, नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट में बनाया तीन चार पाँच। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर यहाँ पर होल में एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, तो यहाँ पर पांच बनाएंगे। इस तरह से ये बनेगा।
कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई, पैटर्न देखिए दिखना स्टार्ट हो गया। फिनिश करेंगे रो को, एक चेन ली, डबल क्रोशिया किया होल में, इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे बटन पट्टी के साथ। इस साइड हमने चेन लेनी है, ये देखिए डबल क्रोशिया के बाद चेन ली है, ताकि बटन पट्टी से आपका हमारा जो डिज़ाइन है वो अलग दिखे। तीन की चेन के ऊपर लास्ट मैंने डबल क्रोशिया किया, ये देखिए 1 2 3 4 5, पांच के बाद ये चेन है। वर्क को टर्न करेंगे, तीन चेन लिए मैंने, शुरू वाले हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे पट्टी वाले। इसके बाद देखिए एक चेन ली, हर बार हम पांच डबल क्रोशिया, ये टोटल जो है 1 2 3 4 5, पांच के बाद हर बार हम चेन लेंगे एक। तो अब देखिए किस तरह से बनाना है, ये हमारे पास एक डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के इसके ऊपर बनाएंगे, एक हमने इसके ऊपर बनाया, एक हम होल में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक है, अब ये दो हो गए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे ये डबल क्रोशिया वाली, पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सात हैं, उसके बाद ये हमारे पास पाँच है, अब ये हमारे पास तीन हो गए, ये पत्ती हमारी डिक्रीज हो रही है ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ये एक है, एक के तीन हो जाएंगे, तो यहाँ से ये पत्ती हमारी इनक्रीज होगी। एक चेन ली हमने, ये होल है, होल में हमने एक डबल क्रोशिया किया और ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में बनाया, फिर होल में बनाया। तो यहाँ पर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद फिर से एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, फिर सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये एक है, एक के तीन हो गए, फिर ये पांच हो जाएंगे, फिर सात हो जाएंगे, और ये देखिए ये सात है, फिर पांच हो गए, ये तीन हो गए। तो इस रो में देखिए तीन तीन आते जाएंगे, ये डिक्रीज हुई है तो तीन आए हैं, ये इनक्रीज की है तो तीन आए हैं। होल में बनाएंगे, फिर ये डबल क्रोशिया है उसकी चेन में बनाया, होल में बनाया, फिर एक चेन ली, तीन बनाने के बाद एक चेन लेंगे, इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, एंड में हमने ये तीन बनाए मैंने, उसके बाद एक चेन ली, फिर दो बनाए, दो बनाने के बाद एक चेन लेंगे और पांच जो हमारे पट्टी के हैं वो बना लेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, एक दो तीन चेन लिए, स्टार्ट वाले बटन पट्टी वाले पांच स्टिच बना लिए मैंने, इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन ली, धागा लिया हमने, यहाँ पर देखिए ये एक है, अब दो हो गए, अब ये तीन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर बनाना है, इसके बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर, इसके बाद होल में, थर्ड हमने होल में बनाना है। ये देखिए एक, ये दो और ये तीन, इसके बाद हमने चेन ली, चेन ली ये तीन है, अब सेंटर वाले के ऊपर बनाएंगे। फिर हमने चेन ली, तो यहाँ पर देखिए ये सात है, फिर पाँच, ये तीन, फिर एक, तो ये हमारी पत्ती डिक्रीज हो गई। और ये देखिए ये स्टार्ट हुई है, अभी यहाँ से एक है, फिर तीन है, अब यहाँ पर पाँच हो जाएंगे, दोनों साइड एक एक इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चेन ली मैंने, होल में बनाएंगे, जब हमें इंक्रीज करना होता है तो हम होल में बनाते हैं। उसके बाद ये तीन है हमारे पास, तीन के ऊपर तीन बनाएंगे,
इसके बाद होल में पांच हो गए हमारे पास। इसके बाद एक चेन ली और ये जो हमने डिक्रीज की है पत्ती तो पहले वाला स्टिच छोड़ देंगे, सेकंड वाले के ऊपर मैंने बनाया, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर होल में बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया हैं, तीनों के ऊपर एक एक बनाएंगे, एक दो, और ये तीनों के ऊपर बनाया, फिर होल में बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए पांच हो गए, ये एक है, इसके बाद एक चेन, फिर पांच डबल क्रोशिए, फिर हमने एक चेन ली, फिर ये सेंटर वाले के ऊपर बनाया। इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, ये एक बनाया, उसके बाद एक चेन ली, एक दो तीन, ये देखिए ये हमारी पूरी पत्ती है ये देखिए। लेकिन ये एक है, एक को अगर आप इस तरह से हाफ करेंगे तो यहाँ पर ये हाफ पत्ती हमारी रह जाएगी, तो ये हमारी इस साइड हाफ पत्ती आएगी। तीन बनाने के बाद एक चेन ली, पट्टी के पांच डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद एक दो तीन, टोटल तीन चेन ली हमने, तीन चेन लेकर पट्टी के पांच स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसके बाद एक चेन ली हमने, ये तीन है हमारे पास, अब ये चार हो जाएंगे, एक दो तीन, और फोर्थ हमने होल में बनाया। इसके बाद एक चेन ली, तो अब देखिए इसे हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो होल है वहाँ पर बनाएंगे, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास पांच डबल क्रोशे हैं, पांच के ऊपर पांच बनाएंगे, पांच के ऊपर पांच बना लिए, फिर होल में बनाएंगे इस तरह से। ये एक, फिर ये तीन हो गए, ये पांच हो गए, और ये सात हो गए हमारे पास। इसके बाद एक चेन ली हमने, ये डबल क्रोशे को स्किप करेंगे, होल में नेक्स्ट जो होल है वहां पर हमने पहला डबल क्रोशे किया, फिर ये पांच बनाएंगे, तो ये एक और ये पांच छः और एक हम होल में बनाएंगे, तो सात हो जाएंगे, एक फिर होल में बनाया इस तरह से। इसके बाद फिर से हमने एक चेन लेनी है, फिर इसी तरह से इस एक डबल क्रोशे को स्किप करेंगे, होल में बनाएंगे, यहाँ होल में बनाएंगे, फिर पांच यहाँ बनाएंगे, फिर होल में बनाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, देखिए एक चेन बनाई, इसके बाद हमने होल में बनाया, फिर तीन इसके ऊपर, तीन के ऊपर तीन बनाए, एक चेन ली, लास्ट वाले जो पांच है हमारे पट्टी के वो बना लेंगे। तो इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, एक दो तीन चेन लिए, पांच बन गए, इसके बाद एक चेन ली। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये हमारे पास हाफ पत्ती है, एक है, फिर दो है, तीन है, उसके बाद चार है, अब ये तीन हो जाएंगे, फिर दो, फिर एक, एक चेन लेकर हमने यहाँ पर बनाया, इसके बाद नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया।
तो तीन बना लिए हमने। इसके बाद देखिए ये वाला एक चेन लेंगे, ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, धागा लेकर होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो अब ये एक मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ से हमारी एक नई पत्ती स्टार्ट हो जाएगी, इसमें एक आएगा, फिर नेक्स्ट में ये तीन हो जाएंगे, फिर पाँच हो जाएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली। तो अब देखिए यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर हमने इसे इनक्रीज़ किया है, एक है, तीन है, पाँच है, सात है। अब ये सात के पाँच हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे, फिर ये एक रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके इसे अब डिक्रीज़ करना है, सात तक हमने इनक्रीज़ करना है, उसके बाद हमने पत्ती को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करना है। तो एक चेन लेकर हमने ये पहला वाला डबल क्रोशे की चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में बनाया। देखिए पांच बनाए हमने, ये इसे हमने स्किप किया है। अब हम ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसे भी छोड़ देंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पर, फिर होल में बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये पहले वाला छोड़ देंगे, सेकंड वाले के ऊपर बनाएंगे, पांच बनाएंगे यहाँ पर, फिर एक चेन लेंगे, ये देखिए, फिर इसे छोड़ देंगे लास्ट वाले स्टिच को, होल में बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर पांच बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारी पत्ती डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर हमने एक नई पत्ती स्टार्ट कर दी है। देखिए ये एक है, बीच में होल है, फिर एक है, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए होल में हमने एक बनाया, फिर चेन ली, चेन लेकर हम इसे हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, तीन बनाने हैं अब यहाँ पर हमने, तीन बना लिए, एक चेन ली, पांच पट्टी वाले बना लेंगे, तो अब देखिए ये चार हैं, अब तीन है, अब हम जो नेक्स्ट रो बनाएंगे उसमें ये दो रह जाएंगे। पांच बना लिए हमने, इसके बाद एक चेन ली, अब ये तीन है हमारे पास, पहले वाले के ऊपर बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाया, तो अब ये हमारे पास दो हो गए, इसके बाद एक चेन लेंगे। ये हमारी जो टुकड़ी है डिक्रीज़ करेगी। अब ये देखिए एक है, एक से ये तीन हो जाएंगे, चेन ली हमने, होल में बनाएंगे, इसके बाद इस डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे, फिर होल में बनाएंगे, इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। तो अब देखिए ये पांच है, तो ये डिक्रीज हो जाएंगे इस साइड, इस साइड सेंटर वाले जो तीन है वो रह जाएंगे हमारे पास। दो हमने इस टुकड़ी में और डिक्रीज कर दिए। इसके बाद एक चेन ली, ये एक है, पहले हमने होल में बनाया, फिर एक के ऊपर बनाया, फिर होल में बनाया, तो ये फिर से तीन हो गए। ये देखिए एक है, फिर ये तीन हो गए। एक चेन ली, पहले वाले को स्किप करेंगे। तो अब ये आप देखेंगे पहले भी हमने ये रो बनाई है सेम, एक चेन ली, फिर इसके ऊपर बनाएंगे, फिर होल में बनाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए ये वही हमारी रो स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पर ये सात है, तो ये यहाँ पर सात है, अब ये पाँच है, ये यहाँ पर पाँच है, उसके बाद ये तीन है, ये देखिए तीन तीन तीन, तो इसी तरह से ये रो में तीन 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 आएंगे। ये हमारी टुकड़ी डिक्रीज होगी इसलिए तीन आएंगे, और यहाँ पर ये एक से तीन हो गए, ये इनक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। ये जो टुकड़ी है ये नेक्स्ट रो में एक रह जाएगी, ये जो टुकड़ी है हमारी बनेगी ये पाँच हो जाएंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो देखिए कंप्लीट हो गई,
देखिए तीन बनाए हैं, फिर एक चेन, तीन, एक चेन, लास्ट में हमने ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करके दो बनाए हैं, एक चेन, फिर पांच बटन पट्टी के, एक दो तीन चेन लिए, पांच बना लिए, एक चेन ली। अब ये हमारे पास एक रह जाएगा इस साइड, इसके बाद एक चेन ली। ये तीन है हमारे पास, तीन के हम पांच बनाएंगे, होल में बनाया, फिर तीन के ऊपर तीन बनाएंगे, इस तरह से। इसके बाद हमने होल में बनाना है, तो ये पांच हो गए। अब देखिए ये पांच हो गए, एक चेन ली, अब ये तीन है, तीन को हम देखिए इस साइड भी एक छोड़ देंगे, इस साइड भी एक छोड़ देंगे, सेंटर वाले के ऊपर एक बना लेंगे, फिर एक चेन ली। फिर ये तीन है, तीन से पांच बनाएंगे, होल में बनाया, फिर तीन के ऊपर तीन बनाएंगे, फिर होल में बनाएंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली, फिर सेंटर वाले स्टिच के ऊपर बनाया, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर पांच बनेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती हमारी, देखिए ये टुकड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट करेंगे तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये जो हमारे पास टुकड़ी है ये देखिए पूरी कंप्लीट हो गई, ये एक तीन पाँच सात, फिर पाँच तीन एक, और यहाँ पर ये हाफ है हमारे पास, देखिए एक है, फिर दो है, फिर तीन चार, फिर तीन दो एक। अब ये जो हमारे पास पांच हैं तो यहाँ पर ये सात हो जाएंगे, एक दो तीन चार, इसके बाद एक चेन ली, एक चेन हमने ली, इसके बाद होल में बनाएंगे। ये वाला जो एक डबल क्रोशिया है इसे हमने स्किप किया है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पांच हैं, पांच के ऊपर पांच बना लेंगे, इसके बाद होल में बनाएंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से। देखिए पांच है, उसके बाद एक चेन ली, फिर हमने सात डबल क्रोशे किए, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर होल में बनाएंगे, फिर ये पांच है, पांच के ऊपर पांच बना लेंगे, इस फिर यहाँ पर होल में बनेगा, तो ये सात हो जाएंगे हमारे पास, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये सात आएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर सात आएंगे, तो रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। कंप्लीट करेंगे तो अब देखिए ये टुकड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, और एंड में देखिए किस तरह से बनाया है। सात बनाने के बाद एक चेन ली है, फिर हमने बटन पट्टी के बनाए, वर्क को टर्न करेंगे, देखिए ये पांच बना लिए हमने। इसके बाद ये फिर से हमारी यही पत्ती स्टार्ट हो जाएगी, ये जो हाफ टुकड़ी है, देखिए एक है फिर दो है, तो अब यहाँ पर एक बनाएंगे, एक चेन ली, होल में एक हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, तो
तो अब देखिए ये सात है हमारे पास, ये दोनों साइड एक एक कम हो जाएगा तो ये पांच रह जाएंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, पांच बनाने हैं यहाँ पर। देखिए इस तरह से एक चेन ली, ये देखिए ये होल है, होल के ऊपर एक बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये पहले वाले को स्किप करेंगे, सेकेंड वाले में बनाएंगे, पांच बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, ये लास्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, होल में एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, फिर फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकेंड वाले में बनाएंगे। तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई, देखिए पांच बनाए हैं, फिर एक चेन ली है, फिर डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर पांच हमने पट्टी के बनाए। तो अब देखिए यही पूरी मैंने आपको टुकड़ी बना के बता दी है, ये एक है, ये देखिए ये एक है। अब एक के बाद ये तीन बनेंगे, यहाँ पर तीन बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये एक है, अब दो बनेंगे, ये देखिए एक है, अब यहाँ पर दो बनेंगे। जैसे पहले हमने दो बनाए हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर शुरू में दो बनाने हैं। मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, इसके आगे फिर इसी तरह से पैटर्न चलता जाएगा, इसी तरह से फिर मैं आर्म होल तक बना लूँगी। देखिए पांच बना लिए, इसके बाद एक चेन ली, एक बनाया, फिर होल में सेकंड बनाया। इसके बाद देखिए पांच है, पांच के ऊपर तीन बनाने हैं, एक चेन लेंगे, फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे, फिर एक चेन ली। अब यहाँ पर देखिए ये पांच है, फिर तीन हो गए, फिर चेन ली, ये एक है, एक से तीन हो जाएंगे, इस रो में तीन तीन आते जाएंगे, बीच में चेन आएगी। एक चेन ली, देखिए ये पत्ती डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, ये वाली टुकड़ी और ये वाली टुकड़ी इनक्रीज होनी शुरू हो गई। तो अब आप पैटर्न काउंट कीजिए कितने हमारे पास पैटर्न बने हैं। देखिए ये वाली वी जो है, हाफ वी है जो, इसे काउंट करेंगे, हाफ टुकड़ी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16 17 18 19 20 21। 21 हमारे पास पैटर्न है, पांच इस साइड ये हैं डबल क्रोशे और पांच यहाँ पर हैं। देखिए ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम बनना चाहिए, इस तरह से है, और यहाँ पर देखिए, और 21 हमारे डबल क्रोशे हैं। एक जो हमारा पैटर्न है उसके लिए सात हम ये डबल क्रोशे बनाते हैं, फिर एक चेन स्किप करते हैं, आठ चेन हमारी यूज़ होती हैं। तो इस तरह से हमने बनाना है, ये देखिए मल्टीपल ऑफ एट चेन के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा चेन लेनी है या कम करनी है। 21 पैटर्न है, पी लिखा है पैटर्न के लिए, 8 चेन का हमारा पैटर्न है तो 168 चेन होगी हमारी, और 10 हमने पट्टी के रखे हैं दोनों साइड, ये पांच ये हैं और पांच ये हैं, तो 10 ये हो गए। तो 178 हमने शुरू में चेन इस हिसाब से ली थी, तीन हमने एक्स्ट्रा ली थी रो को स्टार्ट करने के लिए, टोटल हमने 181 चेन ली थी। तो 21 यहाँ पर हमारे मेरे पास पैटर्न बने हैं, ये देखिए इस तरह से आप इसे रखेंगे। तो आगे मैं फिर आपको आर्म होल तक कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब आप देखिए जैकेट को मैंने आर्म होल तक कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए साइड से कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, पट्टी के साथ बिल्कुल हमारी होल वाली लाइन आई है। और इसे मैंने देखिए फ्रंट साइड और इसके बैक साइड और दूसरी इसके फ्रंट साइड इकट्ठी बनाई है, इसलिए आपको यहाँ साइड में स्टिच नहीं करना पड़ेगा। और
ये जो है हमारी, यहाँ से देखेंगे ये फर्स्ट रो से, यहाँ से हमारे स्टिच सीधे दिखाई देते हैं, इस साइड से देखेंगे तो ये उल्टे दिखाई देते हैं, तो इस साइड को हमें राइट साइड बनाना है। और यहाँ पर देखिए हमने पैटर्न की, अब हमने डिक्रीज करने हैं तो पैटर्न इसके डिवाइड करेंगे, कितने हमने फ्रंट के लिए रखने हैं, कितने बैक के लिए रखने हैं। तो फ्रंट के लिए टोटल देखिए मेरे पास पूरे जैकेट में फ्रंट और बैक के लिए टोटल मैंने 21 पैटर्न रखे हैं, 21। तो 21 में से 10 हम फ्रंट के लिए रखेंगे और 11 हम बैक के लिए रखेंगे। 10 हमने किस तरह से रखे हैं, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5, पाँच के बाद मैंने यहाँ पर मार्कर लगाया है। इसी तरह से इस साइड ये 1 1 2 3 4 5 के बाद मार्कर लगाया है, 5 और 5 10 हो गए हमारे बैक के लिए। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बैक के लिए 11 क्यों रखे हैं, फ्रंट के लिए हमने 10 रखे हैं, क्योंकि फ्रंट में हमारी बटन पट्टी भी आएगी तो वो 11 जितना ही हो जाता है। ये देखिए फ्रंट में ये हमारे पास बटन पट्टी भी है, और इतना बनाने पर जितना मैंने बनाया है इसकी जो लेंथ तैयार हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है शुरू से, 17 इंचेस की लेंथ अभी मैंने बनाई है। इसके बाद हमने आर्म होल बनाना है, और यहाँ पर जो टोटल पैटर्न मेरे पास है ये देखिए, ये पूरी जो वी है टुकड़ी है इसको काउंट करेंगे, 1, फिर इसके ऊपर ये 2nd 3rd 4th 5th, 5 बनाई है। अब हमने यहाँ पर नेक डिक्रीज करना है। तो आज इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में हम नेक की कटाई बनाएंगे और आर्म होल की कटाई बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।